गुड आफ्टरनून बच्चों, चलो तो अपना टेक्स्ट बुक निकालो और सुनीता की पहिया कुर्सी इस पाठ के हमने प्रश्न उत्तर जो है वो पूरी तरह से देख लिया है। फिर भी इस पाठ पर जो और भी कुछ यानी कि किताब में दिए हुए है नहीं है, उसके अलावा कुछ प्रश्न उत्तर है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सुनीता ये अपने कहानी पूरी तरह से पढ़ी है, मैंने पढ़ने के लिए कहा था, शायद आपने पढ़ी होगी, फिर भी मैं ये कहानी क्या है आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सुनीता नाम की एक लड़की है, हाँ, वो क्या है, अपने दोनों पैर से विकलांग है। विकलांग किसे कहते हैं हम, जो अपने पैरों से नहीं चल सकते या आंखों से अंधे है, देख नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात नहीं करते, अक्सर वो बहरे भी होते हैं। जो बहरे होते हैं, कानों से सुन नहीं सकते, वो गूंगे होते हैं यानी कि मुंह से बात नहीं कर सकते। आपको ये मालूम है, क्योंकि वो बात ही उनके कान में नहीं जाती, मतलब वो सुन नहीं पाते, इसलिए वो मुंह से बात भी नहीं कर पाते है? तो वो सब जो है, जो शरीर से अपने विकलांग है, तो ऐसे ही एक सुनीता नाम की जो एक लड़की है ना, ये लड़की बड़ी प्यारी है लेकिन हिम्मत वाली है। तो पैदाइश से यानी जब वो पैदा हुई तभी से उसको अपने पैर का सहारा नहीं मिला, अपने पैर पे वो खड़ी नहीं हो पा रही है। हम बच्चे जैसे वो अपना बर्ताव या अपना व्यवहार नहीं कर पा रही है। बाकी सब बच्चे खेल कूदते हैं, अपने पैरों से चलते हैं, अपना काम खुद निपटाते हैं, लेकिन ये सुनीता एक पहिया कुर्सी के सहारे अपने ये सब काम करती है। तो पहिया कुर्सी क्या है, उसे चार छोटे छोटे, एक दो बड़े व्हील होते हैं, आगे दो छोटे छोटे व्हील होते हैं। अपने पहिया कुर्सी मैंने आपको बोर्ड पे निकाल के भी दिखाई है। तो उस कुर्सी के सहारे सुनीता अपने काम निपटाती है, लेकिन उसके मन में इतनी जिद्द है, यानी कि वो दूसरों के लिए कुछ ये रख रही, अपना हौसला इतना है उसका, मतलब वो अपने वो आसमान में उड़ना चाहती है, इतना हौसला उसका बुलंद है। तो ऐसे लोगों को आम बच्चों जो है या कई लोग हैं वो कुछ अलग नज़र से देखते हैं, मतलब वो उसको क्या समझते हैं, बाकी लोगों से वो कुछ अलग है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये पाठ से हमें ये सीख मिलती है। तो ये सुनीता हमें क्या सिखा रही है कि हम आप जैसे ही है, हमें अलग मत समझो। इस पाठ से वो हम आप बच्चे के लिए ये सुनीता कहना चाहती है। तो इसके सवाल जवाब जो है हमने पूरी तरह से देख लिया है। अभी सुनीता जो है सुबह सुबह उठी है, बिस्तर से उसकी नींद जब खुली तभी उसको माँ ने क्या कहा कि तू आज अकेली बाजार जाएगी, तब उसके आंखों में एक चमक आ गई, यानी कि वो इतनी खुश हो गई मन में कि तू चलो मुझे आज अकेले में बाजार जाना मिल रहा है तो मैं सब देख सकूंगी। वो घर में ही बैठ के रास्ते का हलचल देखती थी, रास्ता कैसा रहता है, चल रहता है, चल यानी कि सब रास्ते पे चल रहा है, यानी कि कोई बाइक लेके चल रहा है, कोई साइकिल लेके चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, मतलब रास्ते पे सब हलचल दिखती है। लेकिन वो सुनीता घर में बैठ के ही हर दिन देखती थी, इसलिए वो मन से कुछ नाराज थी। लेकिन आज क्या हुआ है, सुनीता की माँ ने सुनीता को बाजार जाने का परमिशन दिया है, तो वो मन में बहुत बहुत खुश हुई है, यानी कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आई है। तो वो सुबह सुबह उठ के इस खुशी में अपना सब कपड़ा पहनना या सब अपना जो भी काम है वो खुद कर रही है, शूज पहनना, और उसने वो काम होने के बाद सुनीता के माँ ने उसके लिए नाश्ता दिया है। नाश्ता करके वो तैयार हो गई और वो माँ को पूछती है, चलो माँ आज बाजार से क्या क्या लाना है मुझे बताओ।
सुनता कि माँ जो है उन्हें क्या बोलती है, बाजार से बस तुम्हें 1 किलो चीनी लानी है, तो क्या तुम वो काम कर पाओगी, ऐसे भी पूछती है। तो सुनीता बोलती क्यों नहीं मैं कर पाऊंगी, और वो अपना पहिया कुर्सी निकालती है और बाजार की ओर चलने लगती है, घर से बाहर निकलती है। तो रास्ते से जा रही है, तब क्या होता है, बाकी सब लोग उसको टुकुर टुकुर देख रहे हैं, टुकुर टुकुर रहने के कुछ अलग नजर से, ऐसे नजर हटा ही नहीं रही है उसके ऊपर से, ऐसे देख रहे हैं। तो सुनीता को ये बात अच्छी लगी क्या? नहीं, वो बोलती है मुझे ही ऐसे क्यों देख रहे हैं लोग, ऐसा नहीं देखना चाहिए। तब थोड़ी आगे जाती है तो एक लड़की, फरीदा नाम की लड़की है, वो सुनीता के पास आती है। और वो क्या करती है, वो अपनी माँ के साथ रहती है। तभी वो सुनीता को घूर रही है, घूर के देख रही है, तभी वो उसका व्यवहार भी सुनीता को पसंद नहीं है होता है। तो थोड़ा आगे सुनीता जाती है तो एक छोटू लड़का जो मतलब कद से है, अपने हेड से बहुत छोटा लड़का है, उसे बाकी सब लड़के चिढ़ा रहे हैं छोटू 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 करके, तो वो भी सुनीता को अच्छा नहीं लगता है। तो आगे चल के सुनीता बाजार में पहुंचती है, तब वो पहले वाली लड़की फिर से, उसका नाम फरीदा है, फरीदा बाजार में अपने माँ के साथ सुनीता को मिलती है। तभी वो फरीदा सुनीता के पास आके पूछती है तुम्हारे पास ये अजब गजब चीज क्या है, तो कौन सी चीज है अजब गजब की? सुनीता पहिया कुर्सी में बैठी है ना, ये कुछ वो फरीदा ने ये चीज कभी देखी नहीं, तो ये चीज अजब गजब लगती है। तब फरीदा सुनीता को पूछती है तुम्हारे पास ये अजब गजब चीज क्या है? तभी फरीदा की माँ को पता चलता है कि इस तरह सुनीता को पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि वो विकलांग है, तो ऐसा व्यवहार इसके साथ नहीं होना चाहिए। तो फरीदा की माँ वहाँ आके फरीदा को लेकर जाती है और साइड में लेके बोलती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो छोटू लड़का था, जिसको छोटू छोटू करके, उसका नाम है आमिर, सबको सब बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, वो सुनीता के पास आता है और बोलता है मैं आपको कुछ मदद करूं क्या, कुछ मेरी हेल्प चाहिए क्या? तब सुनीता मदद की राह में थी, कोई मुझे आके मदद करे वो देख रही थी इधर उधर, क्यों? तो आगे 2 स्टेप चढ़ना था, तो स्टेप चढ़ने के लिए तो उसका ये पहिया कुर्सी ऊपर नहीं जा रहा था। तब सुनीता ने उसे शुक्रिया कहा और हेल्प करने के लिए कहा और बोला कि पीछे के पैंडल पे पैर रख और थोड़ा दबा दे ताकि मेरी पहिया कुर्सी ऊपर चढ़े। और वैसे आमिर ने वैसे किया और हेल्प करके सुनीता का ये पहिया कुर्सी ऊपर गया। तभी सुनीता ने उसे कहा चलो छोड़ो, अभी मैं दुकानदार के पास या दुकान के पास मैं अकेले खुद जा सकती हूँ। वैसे वो दुकानदार के पास गई और दुकानदार से उन्होंने क्या कहा, एक क्या मांगिए, 1 किलो चीनी मांगी। तो चीनी मिलने के बाद दुकानदार ने क्या, हाँ तो बच्चों दुकानदार ने जो सुनीता के साथ किया वो व्यवहार सुनीता को पसंद नहीं आया। दुकानदार ने क्या किया कि ये बच्ची अपाहिज है, ये विकलांग है, इसको सहायता करना चाहिए करके सुनीता वो चीनी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रही थी। तभी दुकानदार ने वो चीनी का 1 किलो चीनी उसके गोद में रख दी, जैसे कि ऐसा डाल दिया है, ऐसे रखा। तो सुनीता को वो दुकानदार का वो व्यवहार भी पसंद नहीं आया, और फिर वो दुकानदार से ऐसे नजर से देखने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो आमिर वहां पे आया और अमित बोला चलो हम यहाँ से चलते हैं, और दोनों वहां से निकले हैं। तभी फिर सब लोग उन दोनों को देख रहे हैं। वैसे वो रास्ते पे आए और आखिर में क्या होता है, रास्ते पे दोनों भी सब दोनों को देख रहे हैं लोग, क्योंकि ऐसे क्यों देख रहे थे कि वो लोग विकलांग है, ऐसे करके अक्सर ऐसा देखना नहीं चाहिए, फिर भी कई बच्चे देख रहे थे, कई लोग उन्हें ऐसी नजर से यानी कि दया भाव से देख रहे थे। और सुनीता को ये नहीं चाहिए था, हमें दया भाव से, हमें गरीब समझ के हमें दया क्यों दिखा रहे हो आप, हम तो ऐसे नहीं है,
हम जैसे ही है, आपके जैसे ही है, फिर ये दया भाव क्यों आ रहा है आपके मन में? ये सुनीता को नहीं चाहता, फिर भी लोग ऐसे नजर से उन्हें देख रहे थे। तो दोनों वहां से रास्ता तो पार करना था, तो अमित ने क्या किया, उसके पहिया कुर्सी के पीछे वाले पेंडल पे पैर रखा और जोर से दबाया और धूम लगा के दोनों भी रास्ता पार करके गए और लोग देखते ही रह गए। यही इस पाठ का अंत है। तो इसके प्रश्न उत्तर भी हमने देखे हैं। तो एक सवाल आखिर में ऐसा पूछा है कि अगर ऐसे आपके पास, आपके अगल बगल में या आपके पहचान वाला कोई ऐसे है क्या? तो अगर आपने किसी कोई लड़का देखा होगा या कोई आदमी देखा होगा तो उसके बारे में आपको लिखना है कि जैसे कि मैंने लिखा है, हाँ मेरे बगल में या मेरे गांव में एक गोपाल नाम का लड़का रहता है, वो बात नहीं कर सकता और सुन भी नहीं सकता। और भी एक ऐसा आदमी हमारे गांव में है जो एक पैर से विकलांग है, फिर वो अपना काम किसी को सौंपता नहीं, वो पेड़ पे भी चढ़ता है, आपको विश्वास नहीं होगा। वो एक पैर है उसको, लेकिन एक पैर से वो पेड़ पे चढ़ता है और पेड़ की कटाई भी करता है, इतना शूर है वो, खेती करने वाला इंसान है अक्सर ना, लेकिन मैंने वो देखा है। आपको भी ऐसे किसी के बारे में लिखना है, अभी निबंध लेखन करके आपको आता है, उसमें आपके लिए छोटे छोटे निबंध होते हैं, जैसे कि पालतू जानवर के ऊपर लिखो, यानी कि अपना प्यारा कुत्ता हो, हाँ कोई भी ऐसे कोई प्यारा खेल हो तुम्हारा, तो उसके बारे में लिखना पड़ता है। तो ऐसे कोई विकलांग इंसान है या विकलांग बच्चा है तो उसके बारे में भी आप कुछ लिखना, 1-10 लाइनें लिखो। तो डाकिया रहता है, डाक लाने देने के लिए आता है, उसके बारे में निबंध लिखना होता है। कोई अपने बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, अभी कल ही 26 जनवरी हो गया, और अपना आप हमारे देश के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बारे में भी लिखने के लिए निबंध लिखो, ऐसा आता है। तो किसी एक के बारे में, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, या अपने शिवाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, और बहुत सारे हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री है, और भी है बहुत सारे नेता लोग हैं, उनके बारे में किसी के एक बारे में आपको लिखने के लिए आएगा एग्जाम में। माँ के बारे में लिखना होता है, माँ के ऊपर आप एक निबंध लिखो। तो कैसे लिखा जाता है, माँ के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यारी प्यारी प्यार करती है, वह मेरे खाने पीने की, सोने की, जगने की आदि सभी देखभाल करती है, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती है, वह मेरी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान देती है, जब कभी मैं बीमार पड़ जाऊँ तो वह बेचैन हो जाती है। आखिर वो माँ है, माँ के बारे में सबका ख्याल अलग अलग आता है, लेकिन माँ माँ होती है, माँ बहुत प्यारी होती है, माँ के बारे में तो बहुत जितना लिखा जाए उतना कम है। ऐसे ही हमें छोटे छोटे निबंध लिखना है, जैसे कि मेरी माँ बहुत मेहनती है, वह हमेशा काम में लगी रहती है, वह हमारे पूरे परिवार की देखभाल भी करती है, फुर्सत के समय वह अखबार या कोई पुस्तक भी पढ़ती है। तो माँ पूरा घर परिवार संभालती है ना, तो बच्चों लोगों को तो अक्सर वो ज़्यादा ख्याल रखती है, तो माँ के बारे में लिखने के लिए कोई निबंध आएगा। तो एक पालतू जानवर या जंगली जानवर के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे एक हाथी के ऊपर निबंध लिखा है, हाथी का रंग कैसा, वो कैसा है, उसका होलिया कैसा है, उसके बारे में शुरुआत में लिखो, तो बाद में बीच में लिखो कि वो जानवर या वो तुम्हें क्यों प्यारा लगता है, वो पंछी हो या जानवर हो क्यों प्यारा लगता है, वैसा होलिया उसका होलिया कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसकी खासियत क्या क्या है, वो क्या खाता है, कैसा पीता है, कैसा रहता है, उसके बारे में जानकारी निकालो और वो लिखो। इसे ही निबंध कहते हैं। वो सरल वाक्य में एक सुलभ लाइन में लिखना, हाँ उसे निबंध कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एक हाथी की कहानी लिखी, छोटी सी, हाथी का रंग काला होता है,
उसकी आंखें छोटी और तेज होती है। आपने देखी होगी हाथी कितना बड़ा होता है और आंखें कितनी छोटी छोटी होती है। कान बहुत बड़े होते हैं हाथी के, उसका सर जितना सर से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कान आता है, इतने कान बड़े होते हैं। तो देखो छोटे और तेज आंखें होते हैं, उसके दो लंबे लंबे दांत होते हैं, एक सूंड भी होती है, दांत होते हैं, उसके कान सूप के समान बड़े होते हैं, सूप से भी ज्यादा बड़े होते हैं। जितना हाथी छोटा हो तो उसका सर जितना है ना उतने उसके कान होते हैं। उसकी पूंछ छोटी होती है, उसके हिसाब से पूंछ छोटी होती है। उसके पैर खंबे जैसे मोटे होते हैं, और उसे हाथी को चार तो पैर होते हैं आपको मालूम है, और वो कैसे है, खंबे जैसे है ऐसे ही। हाथी का सबसे अनोखा अंग उसकी सूंड है। और आज क्या लगता है हाथी का, तो उसका सूंड अलग लगता है। सूंड उसकी नाक भी है और हाथ भी है, और सूंड वो सूंड से सांस लेने का भी काम करता है, और हम जैसे हाथों से काम करते हैं वैसे हाथों से सूंड सूंड से हाथी बॉल को भी खेलता है। अभी सर्कस में आपने देखा होगा हाथी क्या करता है, एक बड़े बॉल के ऊपर भी खड़ा रहता है, स्टूल के ऊपर हाथी खड़ा रहता है। तो ये उसकी हाथी की करामतें हैं। गन्ना और मीठे फल हाथी को बहुत पसंद है। गन्ना और मीठे फल, केला दिया तो हाथी बहुत मजे से खाता है। अभी जत्रा यात्रा में हाथी आता है तो बस आप बच्चों लोगों ने देखा होगा हाथी को। वही पालतू हाथी सवारी के काम आता है, उससे बोझा भी ढोया जाता है, यानी कि वो लकड़ी खींचने का भी काम हाथी करता है। हाथी की गिनती बुद्धिमान जानवरों में की जाती है। तो हाथी हर जिस एनिमल पे आपको ये निबंध लिखना है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पाठ जो हमने अभी सुनीता की पहिया को से जो पाठ पढ़ा है, इसके कुछ बिंदे आती है, मतलब कुछ पॉइंट्स है। इस कहानी को एक बार फिर से आपको पढ़ना है, समझना है। सुनीता की तरह हमें भी अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाजा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आपके शरीर में भी कुछ ऐसे वीक पॉइंट है तो वो दिमाग में लेके बैठना नहीं चाहिए। तो उसको नज़रअंदाजा करने मतलब उसके ऊपर हमेशा नज़रें बिठा के, या वही चीज़ मैं ऐसी हूँ मैं ऐसा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको थोड़ा साइड में रख के चलो मैं भी आम आदमी की तरह हूँ। और अक्सर ऐसे दुनिया में लोग हैं तो उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, ये बात मेन है। हर रोज कुछ नया सीखने की आदत बनानी चाहिए, और हर दिन कुछ नया नया सीखना चाहिए। सुझावों सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में आपको मतलब ऐसे अगर कोई ऐसा दिखा तो उन लोगों के अंदर कुछ अलग गुण भी रहते हैं, उनके बारे में उनकी स्तुति करना चाहिए। तुम कमजोर हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए उनको, तुम किस बात में माहिर हो ये उनको दिखाना चाहिए। तो देखो किसने किससे कहा भी इसमें कुछ इस पार्ट में आया है, वो देखते हैं। माँ बाजार से क्या लाना है, ऐसे किसने किसे कहा है, तो सुनीता ने अपने माँ से कहा है। माँ बाजार से क्या लाना है, ये किसने किसे कहा है, तो सुनीता ने अपने माँ से कहा है। क्या तुम अकेले संभाल लोगी, क्या तुम अकेली ये सब संभाल, तुम बाजार जा रही हो तो ये अकेले संभाल लोगी, ये माँ ने सुनीता से कहा है। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है, ये किसने कहा है, तो जो फरीदा नाम की लड़की है वो अपनी माँ के साथ बाजार आई है, उन्होंने यानी के फरीदा ने सुनीता से ये कहा है। क्या तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज कौन सी है, तो ये फरीदा नाम की लड़की ने सुनीता से कहा है। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। तो सुनीता को ये लोगों का व्यवहार पसंद नहीं आया था, तो वो मन में वही सोच रही थी। तो अमित नाम का जो लड़का था छोटू, जिससे कद के ऊपर से बाकी लड़के चिढ़ा रहे थे,
वो अमित नाम के लड़के ने सुनीता से कहा है। क्या कहा है? शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने सुनीता से कहा है। नहीं, दूसरा वाक्य देखो। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है। तभी सुनीता ने ये अमित से कहा है, हम दोनों में कुछ अलग बात नहीं है, हम सबके तरह ही है। ये किसने कहा है? सुनीता ने अमित से कहा है। तो देखो, इसमें एक पत्र भी लिखने के लिए आपको कहा है। क्या पत्र है? जो सुनीता है उसकी बहादुरी, यानी कि उसकी चाह है कि हम सब खुद कर सकते हैं, हम विकलांग नहीं है, हम क्या हुआ, हम पैया कुर्सी से चल रहे हैं, मुझे पैर नहीं है, लेकिन मैं मेरा पूरा काम मैं कर सकती हूँ। ये सबक सुनीता ने सबको दिया है। तो उसे पत्र लिखना है। तो पत्र के बच्चों क्या होते हैं? दो तरीके से हम पत्र लिखते हैं, एक औपचारिक रहता है और दूसरा रहता है पत्र अनौपचारिक। तो पत्र लेखन, हम पत्र लेखन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं थोड़ा। देखो, पत्र लेखन, पत्र लेखन के दो हिस्से होते हैं, औपचारिक औपचारिक और अनौपचारिक। अभी औपचारिक किसे कहा जाता है? औपचारिक यानी के देखो, पत्र लेखन के दो हिस्से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो है वो हमें पहचान वालों से लिखते हैं। तो पहचान वाले कौन होते हैं? अपने मामा मामी, काका काकी, बहन भाई, माँ बाप, या के दोस्त होते हैं, जिन्हें हम पहचानते हैं, उन्हें जो लिखा जाता है वो पत्र औपचारिक होता है। और अनौपचारिक को, तो अनौपचारिक किसे लिखते हैं? जिसे हम पहचानते नहीं, जो किसी संस्था के अधिकारी होते हैं, शासकीय अधिकारी होते हैं, उनसे हमें कुछ काम निपटाना होता है। हाँ, यानी कि उसे हम उन्हें हम पहचानते नहीं, ऐसे लोगों को लिया जाने वाला खर्च जो है वो है अनौपचारिक। आया समझ में? आपको समझ में आ रहा है औपचारिक और अनौपचारिक? औपचारिक जो है पहचान वालों से लिखा जाता है, जैसे कि अपने रिलेटिव्स है, और ये जो है वो अधिकारी रहते हैं, वो शासकीय रहे या किसी संस्था के अधिकारी रहे, स्कूल के मास्टर रहे या अपने प्रिंसिपल रहे, वो ऐसी पहचान रहती है, लेकिन उनके उन्हें जो अर्ज किए जाते हैं वो अनौपचारिक में आते हैं। तो हमें ये सुनीता को, उसने जो बहादुरी दिखाई है, उसके बारे में पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने में, लिखने कैसे लिखते हैं पत्र? समझो कि ये तुम्हारा पत्र है, यहाँ पे जिन्हें पत्र लिखना है वहां उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एड्रेस लिखा जाता है। तो पहचान वालों से लिखना हो तो प्यारे, जैसे जिसको लिखना है वैसे उसका मायना लिखा जाता है। तो पत्र व्यवहार के बारे में मैंने एक पहली तस्वीर को आपको बताया। तो सुनीता को पत्र आपको लिखना है, मैंने नोट्स में भी वो पत्र लिख के दिया है। तो चलो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, और अगली तस्वीर को आपको चाहे तो पत्र भी मैं फिर से ले लेंगे। ठीक है, चलो, आज आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।